तताड़त पुरुष कहता विप्र पूज गावे असंता पूजे विप्र सील बड़ी ना सुंदर कन्हैया चाहे ब्राह्मण मारे चाहे डांटे पूजने योग्य है। और एक शूद्र वर्ग का व्यक्ति कितना भी पढ़कर विद्वान हो जाए वो पूजने योग्य है। मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब इनकी पिटाई होती है, जब इनमें लात पड़ती है। कम से कम इन्हें एहसास तो हो तुम हिंदू नहीं हो, तुम दलित हो, तुम शेड्यूल कास्ट हो, लेकिन ये जबरदस्ती हिंदू बन रहे। लगभग महमूद गजन भी आया 1500 के लगभग, यहाँ पर बाबर आया और उसके बाद लगातार इनको लात खाने का इतिहास। अकबर आया, यहाँ पर लात खाने का इतिहास बहुत लंबा है। धर्म में कदम कदम पर लोगों को अपमानित किया जाता हो, जिस धर्म में कदम कदम पर लोगों को बेइज्जत किया जाता हो, जिस धर्म में कदम कदम पर लोगों की हत्या की जाती हो, जिस धर्म में कभी मंदिर में नहीं प्रवेश करने दिया जाता हो, जिस धर्म में केवल स्कूल में जाति पूछ कर उसको पीछे बिठाया जाता हो, जिस धर्म में केवल आदमी को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाए, जिस धर्म में केवल मूछ लगाने पर हत्या कर दी जाए, ऐसे धर्म में रहकर लोग करेंगे भी क्या। बंते जी, दलित दूल्हे को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, आजादी के 75 साल के बाद भी इस प्रकार का जो उत्पीड़न देखने को मिला, क्या कहोगे? देखिए, भारतीय संविधान में हरेक व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है और 70 वर्ष बाद भी इन लोगों को वो लोग स्पर्शी ही मान रहे हैं, अछूती मान रहे हैं, नीची मान रहे हैं, और वो उनका अपना जातिगत एक ढांचा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का। तो ये इनको अभी ये होश नहीं आ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर बहुत दिन पहले कह गए कि तुम अपना संस्कार, अपना विचार, अपना धार्मिक चिंतन अलग बनाना, लेकिन मान न मान, मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती हिंदू बने बैठा है और ये हिंदू रहम की तवक्को थी तुझसे, ए हिंदू रहम की तवक्को थी तुझसे, तू सितमगढ़ निकला, मोम समझते थे तेरे दिल को, सो पत्थर निकला। आज भी वही हजारों वर्ष बाद ही मंदिरों में ही नहीं, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कॉलेजों में होता है, गांव में होता है, गलियों में होता है, घर पर होता है, हर जगह होता है, सरकारी कार्यालयों में होता है, और यही नहीं, इनके साथ भेदभाव। अभी एक जगह का आया था, एक कोई राजस्थान का है, कोई एमपी, तो वो बोल रहा है कि मेरे को मीटिंग में नहीं बुलाते ये, जबकि मैं यहाँ का एमपी हूँ। वो सारे पत्रिकाओं में आया। अरे भाई, तू एमपी जरूर है, लेकिन एमपी से पहले तू शेड्यूल कास्ट है, एमपी से पहले तू नाई है, धोबी है, धानुक है, कहार है, लुहार है, तेली है, तमोली है, पाची है, काची है, हीरे गड़रिया है। और जो लोग अपने को सर्वोपरि मानते हैं वो तुझे क्यों बुलाएंगे? एक बात, इनको बुलाया नहीं जाता मंदिर में, लात पड़ रही है, जूते पड़ रहे हैं, जबरदस्ती मंदिरों में जा रहे हैं जहां इनका अपमान हो रहा है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब इनको एक धर्म दे गए, एक रास्ता बता गए जहां पर समता है, स्वतंत्रता है, भाईचारा है, भ्रातृत्व है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, मानवीय दृष्टि से सब, लेकिन जहां पर प्रजनन क्रिया एक है, उनकी जाति एक है, लेकिन यहां कहा जाता है यूट्रस जो है कान में लगा हुआ है, मुंह पे ऊपर सर में, यूट्रस जो है बाहों में लगा हुआ है, कमर में लगा हुआ है, पैर में लगा हुआ है, जबकि सारे लोगों की उत्पत्ति और सारे लोगों का जन्म वहां से ही होता है जहां से सबका होता है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा प्रचार किया और अपने को सर्वोपरि कर लिया मनगढ़ंत कथाओं के आधार पर, इनका सोच जो है किंवदंतियां बनाकर। तो मैं यहाँ के शेड्यूल कास्ट से और बैकवर्ड से मुख्य रूप से ये कहना चाहूंगा कि तुम मंदिरों में क्यों जाते हो? अभी एक जगह पर कथा भागवत हुई और इनको मार मार के भुत्ता बना दिया, जबरदस्ती कथा सुनने जा रहे हैं,
लेकिन ये डॉक्टर अंबेडकर की जयंती में नहीं जा रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर की किताब नहीं पढ़ रहे हैं, वो तमाम ग्रंथ लेकर बैठे हैं जिनमें अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड, जातीय भेदभाव लिखा है, उसको तो पढ़ेंगे। लेकिन जिस डॉक्टर अंबेडकर ने इनको हजारों वर्ष की गुलामी को काट कर अधिकार दिया, ये संविधान नहीं पढ़ेंगे, कानून नहीं पढ़ेंगे, डॉक्टर अंबेडकर के अनुच्छेद को 14 को 15 को नहीं पढ़ेंगे जो संविधान का है, ये काय को पढ़ेंगे, रामायण को पढ़ेंगे, जिस रामायण में ये कहा है, सापत ताड़त पुरुष कहता विप्र पूज गावे असंता पूजे विप्रशील गुणीना सूदन गुण ज्ञान प्रवीणा, चाहे ब्राह्मण मारे चाहे डांटे पूजने योग्य है, और एक शूद्र वर्ग का व्यक्ति कितना भी पढ़कर विद्वान हो जाए वो पूजने योग्य नहीं है। जब ये ऐसी किताबें पढ़ेंगे, ऐसे धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, तो इनके साथ ऐसा ही होगा। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब इनकी पिटाई होती है, जब इनमें लात पड़ती है, कम से कम इन्हें एहसास तो हो तुम हिंदू नहीं हो, तुम दलित हो, तुम शेड्यूल कास्ट हो, लेकिन ये जबरदस्ती हिंदू बन रहे कि नहीं हम तो हिंदू हैं। अरे तुम्हें कौन हिंदू मान रहा है, कौन तुम्हें हिंदू धर्म का अंग मान रहा है, तुमको माना जा रहा है धोबी, तुम्हें माना जा रहा है धानुक, तुम्हें माना जा रहा है चमार, तुम्हें माना जा रहा है पासी, तुम्हें माना जा रहा है खटीक, तुम्हें माना जा रहा है अन्य जातियों का, जो सबसे नीचे की जातियां हैं, हैं? मुसलमानों में मुसलमान पैदा होता है, ईसाइयों में ईसाई पैदा होता है, सिखों में सिख पैदा होता है, बौद्धों में बौद्ध पैदा होता है, लेकिन हिंदुओं में क्या हिंदू पैदा होता है, हिंदुओं में ब्राह्मण पैदा होता है, हिंदुओं में क्षत्रिय पैदा होता है, हिंदुओं में वैश्य पैदा होता है, हिंदुओं में शूद्र पैदा होता है, और शूद्र में भी नाई, धोबी, धानु, काहल, लोहार, तेली, तमोली, पाची, काची ये पैदा होते हैं। हिंदू कौन है, उनमें हिंदू नहीं है, उसमें ब्राह्मण है सर्वोपर, उसमें क्षत्रिय है सर्वोपर, उसमें वैश्य है सर्वोपर, उसमें है ही नहीं हिंदू, और तुम हिंदू हो ही नहीं, तुम दलित हो, अछूत हो, नीच हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, वो हो तुम, और तुम जबरदस्ती हिंदू कब हो तुम, जब मुसलमानों से लड़ने का टाइम आएगा तो तुम हिंदू हो जाते हो, जब तुम्हारे अधिकारों का टाइम आएगा तो तुम शूद्र हो जाते हो। अधिकारों का क्या, मंदिर में पुजारी बनने का टाइम आएगा तो तुम शूद्र हो जाते हो। राम मंदिर में एक भी शूद्र को मेंबर निर्माण कमेटी का नहीं बनाया गया, एक भी शूद्र को वहां पूजा पाठ के लिए नहीं रखा जाएगा, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मैं हिंदू हैं। और सबसे ज्यादा आरएसएस में लड़ने वाले, चाहे तो वो बजरंग दल में हो, चाहे आरएसएस में हो, चाहे हिंदू युवा वाहिनी में हो, चाहे वो और किसी संगठन में हिंदू के में हो, सबसे ज्यादा ये बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। और जिस दिन ये हट जाएंगे उस दिन पता लग जाएगा कि हिंदू धर्म क्या है। सबसे ज्यादा बैकवर्ड को बैकवर्ड मार रहा है, शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल कास्ट मान रहा है, लेकिन इनमें जिस दिन जागृति आ जाएगी, लेकिन ये उनके कहने पर चल रहे हैं, जो 85% है वो हिंदू नहीं है, यहाँ केवल 15% यहाँ पर वो अपने आप को हिंदू कहता है, और 15% इनके ऊपर काबिज हो जाता है, 15% यहाँ पर मिनिस्टर बन जाता है। तुम्हारी मेरिट खराब की जाती है स्कूलों में, जाति देखकर तुम्हारे नंबर देखे जाते हैं, जाति देखकर तुम्हें नंबर दिए जाते हैं, जाति देखकर तुम्हारे ट्रांसफर होते हैं, जाति देखकर तुम्हारी नियुक्तियां होती हैं, जाति देखकर तुम्हारे ऊपर अत्याचार होता है, जाति देखकर तुम्हारे साथ भेदभाव होता है, जाति देखकर तुमको सम्मान दिया जाता है, जाति देखकर तुम्हारे साथ तमाम तरह के जुल्म, अत्याचार और अन्याय होते हैं। जब तक ये जाति रहेगी तब तक ये जुल्म रहेगा। हम जाति से मुक्त करना चाहते हैं देश को, जब तक जातिवाद रहेगा तब तक छुआछूत रहेगी, ऊंच नीच रहेगी। ये लोग, हमारे लोग, 50 संशोधन भारतीय संविधान में ले आए सैकड़ों, लेकिन कभी ये संशोधन नहीं लाए कि कोई भी आदमी अपने नाम के सामने जाति सूचक शब्द नहीं लिखेगा, ना कोई चतुर्वेदी लिखेगा, ना द्विवेदी लिखेगा, ना कोई पांडे लिखेगा, ना उपाध्याय लिखेगा, ना कोई सिंह लिखेगा, ना कुछ लिखेगा। लेकिन जिससे देश कमजोर हुआ, आपको बताएं, आज से 700 ईस्वी के लगभग, या मोहम्मद बिन कासिम आया, 1000 ईस्वी के लगभग महमूद गजन भी आया, 1500 के लगभग यहाँ पर बाबर आया, और उसके बाद लगातार इनको लात खाने का इतिहास अकबर आया,
यहाँ पर लात खाने का इतिहास बहुत लंबा है, और वो केवल जातिवाद के कारण, छुआछूत के कारण। सिकंदर आया तो पोरुष की सेना को हराया, केवल जातिवाद के कारण हराया। सिकंदर बहुत कम सेना लेकर आया था, लेकिन जब तक यहाँ जातिवाद रहेगा, इसी जातिवाद के कारण लोग मुसलमान बने जा रहे हैं, ईसाई बने जा रहे हैं। एक पाकिस्तान की जगह दो पाकिस्तान बन गए, एक बांग्लादेश बन गया, एक ये बन गए। जिस धर्म में कदम कदम पर लोगों को अपमानित किया जाता हो, जिस धर्म में कदम कदम पर लोगों को बेइज्जत किया जाता हो, जिस धर्म में कदम कदम पर लोगों की हत्या की जाती हो, जिस धर्म में कभी मंदिर में नहीं प्रवेश करने दिया जाता हो, जिस धर्म में केवल स्कूल में जाति पूछ कर उसको पीछे बिठाया जाता हो, जिस धर्म में केवल आदमी को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाए, जिस धर्म में केवल मूछ लगाने पर हत्या कर दी जाए, ऐसे धर्म में रहकर लोग करेंगे भी क्या? मेरा कहने का मतलब ये है, कब तक अपमान सहोगे, कब तक जुल्म सहोगे, कब तक अत्याचार सहोगे? अभी सोचने का वक्त है, 70 वर्ष के बाद आज तुम्हारी हालत भी बेकार होती, आज कम से कम तुम्हारी FIR लॉस तो हो जाती है SC ST एक्ट में, यदि ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है जो आज कुछ लोग अपना सर उठाकर चल रहे हैं, आज जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं, IAS IPS बन रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति हम लोगों को कृतज्ञ होना चाहिए। और आपको बता दें कि आप लोग जबरदस्ती हिंदू न बने, उनके मंदिरों में ना जाएं, उनको पूजा पाठ के लिए ना बुलाएं, तब आप आगे जाओगे। आप केवल सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, और केवल शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड एक हो जाए तो हम जानते हैं कि तुम्हारी मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं।